सच भैया और पापा आके कमाल है, बिना खबर किए चले आए। उन्होंने तो चिट्ठी में लिखा था कि हमारे लिए घर का इंतजाम करके रखना। उन्होंने चिट्ठी तो लिखी थी, लेकिन तुम्हारे भाई का एक दोस्त यहाँ रहता है कोई, उसने ही उनके घर का पूरा इंतजाम कर दिया। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, उनसे मिलने चलते। बड़ी जल्दी है आपको वहां जाने की। फिर तुमने वही बात छेड़ी, कमाल करते तुम। ठीक है, तुम्हें शक है ना, तुम्हें लगता है कि अभी मेरे दिल में कुछ है। ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम अकेली चले जाओ और पूछेंगे ना कि क्यों नहीं आए, तो कहना कि मुझे उन पे शक है। तो मैं तो कहता हूँ साथ साथ कह देना कि उनका नूपुर के साथ कुछ गलत रिश्ता है और वो अभी भी नूपुर से प्यार करते हैं। ठीक है? अच्छा बाबा, नाराज मत होइए, चलते हैं। लेकिन मुझे मालूम है आपके दिल में उसके लिए जरूर कुछ है। क्यों? अरे अगर कुछ होता ना तो आज तक तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारता, भागने क्यों होता यहाँ से? मैंने सुन रखा है कि सच्चाई कड़वी होती है। जब ये बात सच नहीं है तो आपको कड़वी क्यों लगती है? सच्चाई कड़वी नहीं होती है, और जो कहते हैं ना सच्चाई कड़वी होती है वो बेवकूफ होते हैं। हाँ, इल्जाम कड़वा होता है, और अगर कोई किसी शरीफ इंसान पे झूठा इल्जाम लगाए तो उस आदमी को इल्जाम कड़वा लगेगा। और तुम्हें अभी भी लगता है मेरे दिल में खोट है, तो ऐसा करता हूं मैं कि अब से मेरा तुम्हारे पिताजी भाई भाभी किससे कोई रिश्ता है ही नहीं, सब खत्म हो गया। और तुम जाया करो अकेली उनसे मिल दे, मैं उनके पास कभी नहीं जाऊंगा, बस मेरा कुछ लेना देना नहीं। अच्छा बाबा, चलो ठीक है, सॉरी। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, मैं चलूंगा और तुम वहां पर अपना मुंह बंद रखोगी, कुछ नहीं बोलोगी, ना तुम पिताजी से कुछ कहोगी, ना भाई से, ना नूपुर से। वाह, पिता बोल दिया, भैया बोल दिया, और भाभी नहीं कह सकते नूपुर। इस औरत को तो समझाना ही मुश्किल है।